देखिए सवाल कहता है पुरुष महिलाएं और लड़के की संख्या का अनुपात 3:2:4 है, ऐसा दे रखा है। फिर कहता है उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 6:4:3 है ना। व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया, एक एक लोग का हो गया। फिर कहता है यदि महिलाओं की संख्या 40 है तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है, यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 है। तो आइए ना यहां पर पहले देखते हैं। यहां पे लिख दिया मेल, एफ फॉर फीमेल और बी फॉर बॉयज आपका, ठीक ना। अगर बात करें हम संख्या का, तो संख्या का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2:4 दे रखा है। और अगर हम बात करें व्यक्तिगत मजदूरी का, प्रत्येक लोग का सैलरी का, तो रेशियो है 6:4:3 आपका दिया हुआ है। सही बात है, 6:4:3 दे रखा है, ये मजदूरी का रेशियो है। अब इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, कहता है कि यदि महिलाओं की संख्या 40 हो, पढ़िए, यदि महिलाओं की संख्या 40 हो, यदि महिलाओं की संख्या 40 हो, तो देखिए यहां पर ये संख्या का रेशियो है ना, और महिलाओं की संख्या कितना है, 40 है। फिर कहता है प्रत्येक लड़की की मजदूरी क्या है, तो एक बात बताइए महिला का रेशियो कितना है, महिला का संख्या का रेशियो 2 है, और यही 2 रेशियो का मान दे रखा है कितना, 40। तो आप ही बताइए कि 2 रेशियो का मान 40, तो 4 रेशियो का मान कितना, 80। इसका मतलब टोटल 80 लड़के हैं, क्यों, महिला की संख्या 40 है और महिला का संख्या का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2:40, इसलिए 4:4 का मान इसका डबल है, तो 40 दूना, यानी लड़का की संख्या कितना है, 80 है आपका। हम यहां पर कुल मजदूरी लिखना चाहते हैं, कुल मजदूरी लिखना चाहते हैं, तो आप कल का क्लास याद करिए, हमने ये चीज आपको बताया है। देखिए कुल मजदूरी बराबर मजदूर की संख्या और गुणा मजदूरी प्रति व्यक्ति, तो ये क्या है, ये मजदूर की संख्या है और ये मजदूरी प्रति व्यक्ति की एक आदमी का कितना है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कुल मजदूरी नहीं निकल जाएगा, कुल मजदूरी बराबर मजदूर की संख्या और गुणा में मजदूरी पर व्यक्ति आपका। तो यहां पर करिए गुणा करिए, तो 6 18 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये कुल मजदूरी का रेशियो बन गया। आगे पढ़िएगा तो कहता है कि यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी इतना रुपया है, 15,200 रुपया जानते हैं क्या कुल मजदूरी है सब मिला के, तो बताइए पुरुषों की मजदूरी 18, महिलाओं की मजदूरी 8 और लड़कों की मजदूरी 12 है, और सब मिला के 15,200 है। तो 15,200 को इस रेशियो में क्या करना है, बांटना है, तो जोड़िए 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 से भाग दे देंगे तो 1:1 का मान निकल जाएगा। आप बोलिए लड़कों की मजदूरी कितना है, तो 12 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये लड़कों की मजदूरी निकल जाएगा। देखो यहां पर लिख दे रहे हैं हम, लड़कों की मजदूरी निकल जाएगा आपका, काटिए ना कटेगा, 38 से कटेगा 4 बार में, सही बात है, 400, तो 12 कितना, तो 4,800 रुपया हो गया लड़कों की मजदूरी हो गया, क्योंकि लड़कों की कुल मजदूरी किस रेशियो में है, 12 के रेशियो में है, तो यहां से 12:1 का मान निकाले तो लड़कों की कुल मजदूरी निकल गया, और जबकि लड़का कै गो है, 80 लड़का का ही मजदूरी निकला। सवाल कहता है कि प्रत्येक लड़के की मजदूरी बताओ, प्रत्येक लड़का का मतलब होता है एक लड़का, सही बात है, एक लड़के की मजदूरी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि टोटल जो लड़कों की मजदूरी है कितना, 4,800, और लड़का कै गो है, तो 80 लड़का की मजदूरी है 4,800, एक लड़का का पूछेगा तो 80 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो यहां के बाद ऊपर यहां पर एक लड़का का मजदूरी पूछ रहा है, तो टोटल मजदूरी 4,800 है, कै लड़का का, तो
तो 80 से भाग देंगे तो एक लड़का की मजदूरी कितना, 600 नहीं 60 रुपया खाली आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, कल वाला सवाल तो डायरेक्ट सीधे हो गया था आपका इसके पहले वाला, और वही मजदूरी वाले जो सवाल है उसी कंसेप्ट पर है। आप नोट करिए एक बार, हम फिर से दोहरा के फिर हम थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। हर्ष भाई बिल्कुल मेटेरियल का क्वेश्चन करवाया जाएगा, पहले आप ये तो कर लो। मेटेरियल को आप बनाइएगा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना भी बने, वो हम क्लास में कराएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन जितना आपसे बन रहा है उसको आप बनाया करिए, जितना आपसे बन रहा है उसको आप जरूर बनाइए, जो ना बनेगा उसको ऐसे घेर के छोड़ दीजिएगा। चलिए देखा जाए, सवाल कह रहे पुरुष महिलाएं और लड़के की संख्या का अनुपात 3:2:4 है, संख्या कि कितने पुरुष है कितने महिला है कितने बच्चे, उसकी संख्या का रेशियो दिया है। आगे पढ़िएगा तो महिलाओं की संख्या भी दे रखा है 40, तो महिला की संख्या का रेशियो कितना है, 2 है, तो ये 2 रेशियो का मान कितना होगा, 40 होगा। तो जानबूझ करके हम लड़कों की संख्या निकाले हैं, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं एक लड़का का मजदूरी पूछ रहा है, तो लड़का की संख्या पता होना चाहिए। तो 2:40, तो 4 रेशियो का मान 80, यानी पता चल गया कि 80 को लड़का है। फिर आगे बढ़िए, कह रहे व्यक्तिगत मजदूरी दिया हुआ है, एक लड़का एक आदमी एक औरत एक लड़का का मजदूरी दिया है, तो अगर मजदूरी को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मजदूरी निकल जाएगा, गुना करिए, और कुल मजदूरी रुपया में दिया है, तो इसको इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे, तो 12, 8, 20, 38 से भाग किए, लड़का की मजदूरी कितना है, लड़कों के बीच कितना पैसा बटा, 12 रेशियो 12 से गुणा के तो पता चला गया 4800 रुपया लड़कों के बीच बटा, लड़का 80 को है। खुद सोचो जरा कि 80 लड़का है और उसके बीच 4800 रुपया बटा है, तो एक लड़का को कितना मिलेगा, तो 4800 में 80 से भाग किए 60 रुपया आंसर हो गया। कहिए कुछ पूछना है किसी को, डाउट है पूछा करिए। चलो जी नागमणि गुप्ता है ना, देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट यहां पर है, कॉन्सेप्ट यह है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि कुछ परसेंट से अगर चीजें बढ़ेगा, जैसे सबसे पहली बात कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, आप भी अपने आप में 100%, हम भी अपने आप में 100%, अपने आप में खुद स्वयं से अगर कंपेयर करें तब, लेकिन किसी और से कंपेयर करेंगे तो 100% नहीं होगा, किसी और से कंपेयर करेंगे तो या तो आपका परसेंटेज ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा, लेकिन कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो आप बताइए कि 100% यदि अपने आप में है और कुछ परसेंट से अगर वो बढ़ रहा है ना, जैसे मान लेते हैं कि 10% से बढ़ गया, जैसे हमारी सैलरी 10% से बढ़ गया आपका, तो 100% पहले से था और 10% बढ़ गया तो कितना हो चुका है, 110% आपका हो जाएगा, ठीक ना। और मान लेते हैं अगर 10% से सैलरी घट गया, तो इसका मतलब 100% था, 10% से घट गया तो कितना हो गया, 90% हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर बढ़ रहा है तो आप 100 में बढ़ा के गुणा कर रहे हैं, 10% से बढ़ रहा है तो 100 + 10 110 से गुणा, और यदि 10% से घट रहा है तो 100 - 10 90 से गुणा हम कर रहे हैं, बढ़ रहा है तो प्लस करके गुणा, घट रहा है तो माइनस करके गुणा, वही चीज लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट में। देखिए बढ़ेगा तो 100+, देख रहे माथा पे क्या लिखा है चिन्ह, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, 100 में बढ़ा के,
बढ़ेगा तो 100 प्लस से गुणा करेंगे, यानी जितना परसेंट से बढ़ेगा उतना 100 में जोड़ के गुणा करिएगा, और घटेगा तो 100 माइनस का मतलब क्या हो गया, 100 से घटाकर, और 100 प्लस का मतलब हो गया 100 में जोड़कर गुणा करेंगे, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा लिखिए, हाँ सवाल जब करिएगा तो आपको पूरा क्लियर होगा आखिर मामला है क्या। बस अभी इतना जानो कि कुछ परसेंट से बढ़ेगा तो 100 से बढ़ा के गुणा, कुछ परसेंट से घटेगा 100 से घटा गुणा करेंगे। नोट करिएगा, लिख लिए, बढ़ेगा तो 100 प्लस से गुणा यानी 100 में बढ़ा के, और घटेगा तो 100 से घटा के गुणा करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग, नहीं लिखे हैं। देखिए उस चीज को हम इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लिखिएगा सवाल को। थ्योरी में हम एक दो सवाल करा रहे हैं, बुक में ही खोलिएगा, मटेरियल में तो आपको अनेकों सवाल हर टाइप पर आपको दिखेगा। चलिए देखा जाए, सवाल में लिखता है दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया और बस के किराए का रेशियो 3:4 है, है ना। आपका ट्रेन फेयर और बस फेयर का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4। अब देखो यहां पे हम लिख दिए ट्रेन, लिख दिए ट्रेन, लिख दिए, और यहां पे लिख दिए बस, लिख दिए बस, लिख दिए, और यहां पर आपका कह सकते हैं फेयर बोले तो किराया रेंट का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4। ये पहले वाला दे रखा है, ये पहले वाला दे रखा है, पहले पहले बताइए किराया का अनुपात कितना था, 3:3। अगर ट्रेन का किराया 3 था तो ये अपने आप में 100% है, और अगर बस की किराया 4 है तो अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब सवाल में क्लियर कर दिया कि यदि ट्रेन का किराया 20% क्या हो जाए, बढ़ जाता है। अब आप ही बताओ कि 100% पहले का किराया था, जो भी था 100% था, 20% से बढ़ गया। अब आप ही बताइए कि जब 20% से बढ़ गया तो कहने का मतलब ये रेंट 120% हो गया अब, और बस का किराया 30% से बढ़ गया तो 130% हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी और बस के संशोधित किरायों का अनुपात कितना होगा आप बताओ। संशोधित मतलब हो गया रिवाइज्ड या न्यू रेशियो, आप समझो ये बढ़ने के बाद नया रेशियो क्या बनेगा। ये रेशियो कब का है, पहले का। अब आपसे न्यू रेशियो क्या करता है, पूछता है आपसे, न्यू रेशियो पूछता है,
या बढ़ने घटने की बात करें इससे पूछता। सुनिए, पहले से ट्रेन का किराया कितना था? 3, जो अपने आप में 100%, और 20% से बढ़ गया तो यह हो चुका है 120% हो चुका है। तो 120 से गुणा कर देंगे, 120% बन जाएगा। देखो यहां पर 3 और गुणा में करिए क्या परसेंट, 100%। ये छुपा रहता है 100% हर जगह गुणा में, हर जगह गुणा में 100% छुपा रहता है। देखिए 100% को क्या लिखेंगे, 100% क्या लिखेंगे, 100/100। तो 100 कटिए ना गया, खरे 3 हो गया। तो 100% बगल में गुणा में समझो, मान के चलो कि छुपा रहता है, हर जगह रहता है, कहीं भी 100% गुणा में रहता है। क्योंकि 100% का मान क्या होता है, 1 होता है, और उससे 1 से जब गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जब 20% इसका रेंट बढ़ चुका है तो अब ये 100% थोड़ी ना रहा, अब कितना परसेंट हो चुका है, 120%। तो याद रखना 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के रिवाइज्ड फेयर निकलेगा आपका। आप बताइए पहले से बस का फेयर कितना था, 4, 30% से बढ़ गया तो 130% हो गया। ये आपका कह सकते हैं रिवाइज्ड फेयर बस का, और ये आपका किसका, ट्रेन का, संशोधित किराया ट्रेन का और बस का। फिर से वापस इसका अनुपात मांगता है कि संशोधित किराए का अनुपात क्या है। तो यहां पर इसको काटिए, अनुपात लिखने का मतलब क्या है कि उसको छोटा करो काट के। तो देखिए परसेंट सिंबल से परसेंट सिंबल खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से कितने बार में, 3 बार में। तो आप ही बताइए 3 × 3 = 9 अनुपात, ये आंसर हो गया। सीडीएस मेंस 2019 में पूछे हुए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा जी। नन कैसे, 9 / 13 का मतलब ही ना होता 9/13। अनुपात को आप भिन्न में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा सवाल खूब पूछता है, एगो रेशियो पुराना एगो दे देगा, आप कुछ कुछ परसेंट से क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, और नया रेशियो आपसे क्या करेगा, पूछेगा। याद रखिएगा ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, एगो रेशियो पुराना वाला दे देगा, आप कुछ परसेंट से बढ़ाएगा घटाएगा, और नया रेशियो आपसे क्या करेगा, पूछेगा। बढ़ाएगा तो 100 में बढ़ा के गुणा, और घटाएगा तो 100 से घटा के गुणा करेंगे। एक बात बताओ आप, 20% से अगर ट्रेन का किराया घटता तो किससे गुणा करते, बोलिए जरा सब लोग, सब लोग बोलेंगे 80 से। और अगर बस का किराया 30% से घटता तो किससे गुणा करते, 70 से। फिर वैसे ही गुणा करके काट देते, संशोधित अनुपात हमारा निकल जाता। तो एक टाइप हमने ये सीखा यहां पर। अब जब हम यहां पर एगो सवाल करा है, लेकिन बुक में देखिए तो लगभग 5 को 7 को सवाल इस पे होगा बदल बदल करके। कभी किसी में इनकम होगा तो किसी में किराया होगा तो किसी में संख्या होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, है ना। चलिए अगले पर चलते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कोई विद्यार्थी, बोलिएगा, बोलिए। देखो जितने भी सीडीएस आपका ये हो गया, आपका कह सकते हैं इसका क्षेत्र हो गया, मतलब यूपीएससी के अंतर्गत आपका सीडीएस का एग्जाम होता है, समझे। तो यूपीएससी सीडीएस होता है, यूपीएससी सीडीएस मेंस में आपका पूछे हुए, ये आपका कह सकते हैं क्या उसको कहते हैं, हाँ डिफेंस का क्षेत्र हो गया, डिफेंस का ये उसको, है ना, डिफेंस सेक्शन में आपका ये इसका एग्जाम होता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जरा लिखिए, देखिए लिखिए मत, ये सवाल को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। पैटर्न जो है आपका वही है, पैटर्न जो है आपका वही है, आप सिर्फ इसका आंसर बताइए, और सब लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका सीपीओ में पूछे हुए हैं, श्याम सुंदर भाई अब कैसे शॉर्ट होगा, और शॉर्ट करिए, और शॉर्ट क्या, अब आंसर फिर रट लीजिए, नहीं 9/13 उससे भी शॉर्ट, अब क्या होगा अब, तब चलिए इसका आंसर तय निकालिए, क्वेश्चन मत छापिए, क्योंकि पहले से एक रेशियो सैलरी का दिया हुआ है ना, और नया रेशियो क्या कर रहा है आपसे, पूछ रहा है। सी आया, और लोग निकालिए, सब लोग, जल्दी से रफ कैलकुलेशन करना है, सब लोग का आंसर आना चाहिए।
देखिए बनाए आप लोग, सीधा बात है, आपसे नया रेशियो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बोलिए पहले से ए का वेतन कितना था जो अपने आप में 100%, ए का वेतन 2 था जो अपने आप में 100%। अब आप बताइए 30% इसकी सैलरी बढ़ गया तो 130% हो गया, तो 130% से इसमें गुणा करेंगे। फिर बोलिए बी का पहले वाला वेतन कितना 3, और 20% से बढ़ गया तो यहां पर 120 से हम गुणा करेंगे। सी की सैलरी है 4 जो अपने आप पे 100%, और 10% जब बढ़ गया तो 110% हो गया। सही बात है, तीनों बार जो है बढ़ ही रहा है, इसलिए 100 से बढ़ा बढ़ा गुणा कर। अब इसको काट दिए तो नया रेशियो हमारा बन के तैयार हो गया। सुनिए परसेंट 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 खत्म, 0 0 0 खत्म, काटेंगे उसी से जो तीनों में होगा। 2 खत्म, 2 से 2 बार में। अब बोलिए यहां पे बच गया 13, 6 3 18 और 11 दूना, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितने विद्यार्थी कह, जरा एक बार हाथ खड़ा करिए आप। ठीक है, और लोग को आना चाहिए था ना, डाउट है पूछिए ना, जिसको ना बुझाए पूछना है, बार बार ही बात हम कह रहे हैं, ना बुझाए पूछिए। मास्टर और डॉक्टर से रोग नहीं छुपाइए, नहीं तो फिर इलाज हो जाएगा उल्टा पलटा, जो पहले से सही था वो भी खराब हो जाएगा। नहीं तो इसको कर सकते हैं, एक टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन खूब बनता है। देखो 2022 में सीपीयू पूछा है, एक रेशियो देगा और कुछ परसेंट से बढ़ाएगा, घटा भी सकता है सवाल में, ऐसा नहीं कि बार बार बढ़ करेगा, और नया एगो रेशियो आपसे पूछेगा। बोलिए, नहीं नहीं वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसे सवाल हो जिसमें किसी एक में बढ़ाएगा किसी एक में घटाएगा, अगर 30% बढ़ाएगा तो 130 से गुणा, अगर सपोज 20% से घटा दो तो यहां 80 से गुणा करते, लेकिन ई सवाल में तीनों में बढ़ रहा है, तीनों में बढ़ाए हम। थोड़ा हेडिंग लगा लो आप, इनकम बेस्ड, इनकम बेस्ड। देखिए भाई, देखिए सबसे पहली चीज यहां पर आप सबको पता होनी चाहिए, इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्या आपको ये बात पता है? इनकम मतलब सब लोग समझ रहे हैं आय हो गया, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जानते हो क्या? खर्च होता है, या इसको आप व्यय भी कह सकते हैं, समझे? और ये सेविंग मतलब क्या समझ रहे हैं आप? बचत। तो यहां से आपने सीखा कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। जैसे आपने खर्च 500 रुपए किया और 200 रुपए आपने बचा लिया, इसका मतलब आपकी कमाई कितना है? 500 प्लस 200 कितना? 700 है। 700 आपका इनकम रहा था जिसमें से 500 रुपए खर्च कर दिया और 200 रुपए आपके जेब में है। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, इसको जब आप इधर उधर करिएगा तो और रिलेशन मिलेगा। जैसे अगर कोई कह देगा कि खर्च बताओ क्या होगा, तो खर्च अगर कोई पूछेगा तो आय में से बचत लाके क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा आय और माइनस का बचत हो जाएगा। सही बात है जी। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बचत क्या होगा, तो बचत अगर कोई पूछेगा तो खर्च जाके आय में से घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा आय माइनस, तो समझिए बात को, अगर आय में से बचत घटा दिए तो खर्च हो जाएगा, और आय में से अगर खर्च घटा देंगे तो बचत हो जाएगा। तो ये छोटी सी बातें हैं, ये आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है।
इसके बाद ये भी ध्यान रखना है किसी व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100% होता है। किसी व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100% होता है। बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इसके बारे में कहा जाए कम है ये, है ना। ऐसा सवाल एग्जाम में खूब रिपीट, हर एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है। बुक वाला सवाल आप लोग बनाया करिए, यहां पर हम जरूर एक दो तीन सवाल करा रहे हैं एक टाइप पर, लेकिन बुक में अनेकों सवाल होगा। सी नंबर, आइए ना देखते हैं इसको, हम दो तरीके से देखेंगे, है ना। पहला नंबर आइए करें, ए और बी का इनकम का रेशियो 4:3 है। देखिए ना, यहां पर एक ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। अगर हम बात करें इनकम का तो दे रखा है 4:3। ये रेशियो पता है किसका दे रखा है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम मतलब वही आए, है ना। और फिर आगे जब बढ़िएगा तो 3:2 किसका दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है। अब समझिए बात को, आपसे ए का आय पूछ रहा है और एक कंडीशन यहां पर है कि प्रत्येक 600 रुपए बचाता है। प्रत्येक किसके लिए आया है, ए के लिए भी और बी के लिए भी, दोनों 600 रुपए बचाता है। आपको पता है बचत, बचत बचत जो है वो क्या होता है, आय माइनस खर्च होता है। आप देखो फॉर्मूला भी लिखे हैं, बचत बराबर आय माइनस खर्च, यानी मान के ये चलिए कि बचत जो है वो यहां का अंतर है और यहां का अंतर है। बचत यहां का और यहां का अंतर है और दोनों जगह बचत कितना है, 600 है। तो याद रखना दोनों जगह का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। यहां का भी अंतर और यहां का भी अंतर बराबर होना चाहिए। अब आप याद करिए डिफरेंस का बैलेंसिंग, डिफरेंस का बैलेंसिंग में हम आपको यही सिखाए थे,
कि यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस बराबर करना ही डिफरेंस का बैलेंसिंग है। तो यहां पर जानते हो इतफाक है कि पहले से बराबर है, आपको करना नहीं पड़ेगा। आप बताइए यहां का अंतर कितना और यहां का भी अंतर एक ही है, पहले से बराबर है तो करना नहीं पड़ा। अब अगर पहले से बराबर नहीं होता तो सिखाए हैं इसके डिफरेंस से उसमें गुणा कर दो और उसके डिफरेंस से इसमें गुणा कर दो, नहीं बताए हैं तब। तो यहां पर देखिए आय में से खर्च घटाइए, कितना बचा बचत एक एक एक, बचत का रेशियो एक आ गया। चाहे आप यहां देख लो या फिर आप यहां देख लो, कहीं भी देख लो, बचत का रेशियो एक आ गया और बराबर कितना 600 रुपया हो गया। तो एक रेशियो का मान 600 रुपया हो गया। तो सवाल कह रहे ए का इनकम बताइए कितना है। तो ए का इनकम किस रेशियो में है, चार रेशियो में है। तो एक रेशियो का मान 600, तो चार रेशियो का मान 2400, और 2400 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो पहले से यहां पर ये बैलेंस था, अंतर बराबर था। अगर नहीं रहता तो हम इसको पहले बैलेंस करते, और करने का यही नियम है, इसके अंतर से वहां गुना और उसके अंतर से यहां गुना करते हैं। और मैं देखिए जरा, और मैं देखिए, और मैं देखिए, सुनिए तब छापिएगा। इनकम का रेशियो कितना है, चार रेशियो तीन है। तो ए के इनकम को 4x और बी के इनकम को 3x कह सकते हैं। ए के इनकम को 4x और बी के इनकम को 3x कह सकते हैं। मैंने बताया है ये अनुपातिक मान है। जब इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब x से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अनुपातिक मान नहीं रहेगा, ये रियल मान बन जाएगा। ये सही हो गया इनकम ए और बी का। अब कहता है कि 600 रुपया बचत करता है दोनों, तो इसमें से भी 600 घटा दिए और इसमें से भी 600 क्या किए घटा दिए, तो क्या हो गया, ये आमदनी था उसमें से बचत घटा दिए तो क्या हुआ, खर्च नहीं हुआ। बी की आमदनी में से बचत घटा दिए तो क्या हो गया, बी का खर्च हो गया। ऊपर ए का खर्च और नीचे बी का खर्च, बताइए ना नहीं होगा। यह क्या इनकम आमदनी, और 600 रुपया क्या है उसका बचत है। तो आमदनी में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। और खर्च ए का ऊपर और बी का नीचे है, जो कि दे रखा है 3/2, बराबर कर दिए। अब सॉल्व करिए, दो चौके एक्स बराबर 600। सवाल कह रहा है ए का इनकम बताइए कितना है। आप बताओ ए का इनकम कितना है, ए का इनकम चार नहीं, चार एक्स है। बेसिक से बना रहे, ये इसको बेसिक कहेंगे। आई हो गया रेशियो से, हो गया ये हो गया रेशियो से और ये हो गया बेसिक से हो गया। तो ए का इनकम 4x है, तो यहां पर 4x का मान हम निकाल लेंगे। बोलो x का मान 600, तो 4x का मान कितना 2400 आंसर हो जाएगा। कहिए कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ कहां से बोल रहे हैं, हाँ क्या पूछता, बचत पूछता, काहे का बचत पूछेगा जी, बचत तो 600 रुपया दिल ही है दोनों का। पूछता वो है जो नहीं दिया रहता है, दोनों का बचत तो 600 दिया हुआ है। अच्छा बैठिए, मतलब कुछ बताइए है ना, लेकिन बताइए, खर्च बता दे रहे हैं पूछेगा तो। आप ही थोड़ा सोचिए ना, दिख तो रहा है खर्चा, बस हो गया और क्या। सही तो बोले 2400 क्या इनकम, 600 क्या है बचत, तो घटा देंगे तो 1800 खर्चा हो जाएगा, नहीं हो गया। 2400 हमने कमाया, 600 रुपये हमारी जेब में बचा है, मतलब 1800 रुपये हम खर्च कर दिए। तो 2400 में से 600 घटा देंगे तो एक का खर्च निकल जाएगा।
एक्स बराबर 600, तो 3x बराबर कितना 1800, 1800 में से 600 घटा देंगे तो b का खर्च निकल जाएगा। ये 2400 निकल गया ना, 2400 में से 600 रुपया बचा था, घटा दिया था 1800 हो गया। मतलब इनकम निकालिए करेंगे, नहीं तो फिर यहीं से कर लीजिए। एक रेशियो बराबर कितना 600, तो ए का खर्चा पूछ रहा था, 3 रेशियो बराबर 1800, यहां ना निकल गए यही निकल, और ही आसान है। एक रेशियो बराबर 600 और ए का खर्च पूछेगा, तो ए का खर्च का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 रेशियो बराबर 1800 डायरेक्ट हो जाएगा। बोलिए, फोन पे कोई लगा हुआ है क्या? चलिए, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर दोनों के लिए बचत क्या था आपका, सेम था, तो हम रेशियो सही बनाए और बेसिक सही बनाए। कभी कभी बचत अलग अलग भी आपको दिख सकता है, ए के लिए बचत 600 रुपया और बी के लिए बचत 400 रुपया, ऐसा भी दिखेगा, तुम्हारा तरीका करने का यही होगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ऑफलाइन में जिन विद्यार्थी का क्लास छूट गया है ना, आप एप्लीकेशन पर बैच नंबर 40 में जाइएगा, है ना, बैच नंबर 40 में जाइएगा, उसके डेमो में जाइएगा, आपको आज तक का क्लास जो है आपको मिल जाएगा। क्या समझे? ऑफलाइन में जिन विद्यार्थी का क्लास छूट गया है, एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन अपना अंकुश सर ऑफिशियल, बैच नंबर 40 में याद रखिएगा, वहां पे मेंशन होगा, वो थंबनेल पे लिखा हुआ होगा, उसके डेमो में जाइएगा, आज तक का क्लास जो है आपको मिल जाएगा वहां पर, है ना। ठीक है, फिलहाल मतलब हम ये चाहते किसी का छूटे नहीं, बस इसके लिए हमें करा रहा हूं, है ना। सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 6xy है, इतना बराबर इतना दे रखा है, कह रहा है वाई अनुपात एक्स किसके बराबर होगा, आप हमें बताइए। तो देखिए, इसे एग्जाम में जल्दी से करना है तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ऑप्शन से। क्या दिया है यहां पर जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 9y² बराबर में 6xy, यही ना दिया है, और y अनुपात x पूछ रहा है, इसका मतलब पहले वाला रेशियो y का है और बाद वाला किसका है, x का है। आपको क्या करना है, बारी बारी से ऑप्शन से y का मान और x का मान दोनों तरफ रखना है, और जो ऑप्शन रखने पर LHS और RHS बराबर दे देगा वही क्या होगा, आंसर। आइए ना ऑप्शन नंबर ए में ट्राई करते हैं। x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, y का मान 1 रखेंगे तो 9 एकम 9, और 6 गुना 3 गुना 1, हमको लगता है सेटिस्फाइड कर गया, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, 18 बराबर 18 हो गया ये नंबर। बाकी कोई और रख के देख लीजिए, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आप रख के देखिए करेगा क्या। तो ये सब होता है किस्मत, कि चेक किए और पहले नंबर ऑप्शन मिल गया। किसी किसी को जैसे कोई दूसरे सवाल में कभी कभी ए बी सी तीनों चेक करता है, तब जाकर चौथा कंफर्म होता है ना बात, तो कभी कभी हो सकता है। तो तुम्हारा ऑप्शन से हो गया, बाकी बेसिकली भी इसको हम बता दे रहे हैं, बेसिक से भी आप कर सकते हो, है ना। इस समझ में आया ऑप्शन से, y अनुपात x पूछ रहा है, इसका मतलब पहले वाला रेशियो y का है और बाद वाला x का है, तो x के जगह पर हम 3 बैठाएंगे और y के जगह पर 1 बैठाएंगे इसमें, और जो ऑप्शन में से xy का मान बैठाने पर LHS RHS बराबर इतना बराबर इतना हो जाएगा, वही सही हो जाएगा। तो बैठाइए ना, x का मान 3 बैठा है तो 3 का स्क्वायर 9, y का मान 1 बैठा है तो 9 एकम 9, 9 9 जोड़े तो LHS में 18,
अब आरएचएस में एक्स का मान तीन बैठा है, वाई का मान एक बैठा है, तो छह गुणा तीन गुणा एक अठारह, इसमें क्या हो गया, इसमें एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। आगे जांच ही नहीं किया, नहीं अगर पूर्णता दोनों तरफ बराबर तो फिर अगला पे चेक करते, फिर अगला पे चेक करते, फिर अगला पे चेक करते, और बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। तो एग्जाम में ये सवाल जो आपके सामने दिख रहा ना, इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो मौखिक ऐसी हो जाएगा जी। देखो ना, तीन का स्क्वायर नौ, नौ अठारह और छत्ती अठारह, पूर गया बात खत्म आपका हो गया। और नहीं तो फिर आपको और में बेसिक से करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स वाई और प्लस का नाइन वाई स्क्वायर और बराबर में जीरो, ये क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, तोड़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तोड़ना है, ये चीजें यहां पर है। अब सीखिए कैसे टूटेगा, तो देखिए तोड़ने का नियम क्या होता है कि इन दो टर्म को आप गुणा करिए, इन दो टर्म को क्या करिए आप, गुणा करिए, तो बोलिए पहला और आखिरी वाले को, स्क्वायर वाले को, तो कितना आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही ना आएगा गुणा करने पर। इसके बाद इसका ऐसा दो फैक्टर लिखो, इसका ऐसा दो फैक्टर लिखिए जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का छ एक्स वाई आवे, तो जानते हैं क्या लिखेंगे, माइनस का छ एक्स वाई आना चाहिए, माइनस का कितना, माइनस का थ्री, माइनस का थ्री, हाँ, और फिर हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स वाई, सही बात है। आप इन दोनों को गुणा करके देखिए तो माइनस माइनस प्लस ये मिल जाएगा, और जोड़ के देखिए तो माइनस का छह एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स वाई, माइनस का थ्री एक्स वाई और प्लस का नाइन वाई स्क्वायर बराबर जीरो। देखिए इन दोनों को गुणा करने पर ये पूर्णा चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये पूर्णा चाहिए, तो जब जोड़ेंगे तो ये पूर्ण जा रहा है। अब सुनिए, इन दोनों पे काम करिए अलग अलग, इसमें कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, एक्स माइनस थ्री वाई, और इसमें कॉमन क्या है, थ्री वाई कॉमन है, तो थ्री वाई कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस थ्री वाई हो गया, फिर एक्स माइनस थ्री वाई यहां भी, यहां भी, फिर एक्स माइनस थ्री वाई को कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस थ्री वाई कॉमन किया तो यहां क्या बचा, एक्स और माइनस का थ्री वाई बराबर जीरो, तो ये हो गया एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर गया खत्म हो गया तो एक्स बराबर थ्री वाई हो गया। हमसे पूछ रहा है y अनुपात x बताओ कितना है, तो आपको हम सिखाए हैं कि रेशियो उल्टा होता है, x के साथ गुणा में कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है, तो रेशियो उल्टा, y का रेशियो इधर वाला एक और x का रेशियो इधर वाला तीन, बताया ना जी कि रेशियो उल्टा होता है, पहले बता चुके हैं, सब चीज को याद रखा करिए आप लोग, y का रेशियो उधर वाला एक और x का रेशियो इधर वाला तीन, तो एक अनुपात तीन आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर, हाँ ये जो है ना ये एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर है, अगर तुरंत ध्यान चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे तोड़ के फिर करेंगे, नहीं बुझा तो छोड़ दो ना, ये जरूरत एग्जाम ऐसे थोड़े ना बनाइएगा, ये बस ऐसे ही बता दिए, कभी मास्टर उस्टर बनना होगा तो फिर ये सब काम करेगा वहां पर, है ना, द्विघात को तोड़े हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तरीके सही नहीं है, इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, इस सवाल कैसे बनाना है ऑप्शन से, ऑप्शन समझ में आया, ऑप्शन वाला बेस्ट है, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट हो जाएगा उससे आपका, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस जानकारी के लिए बताया गया है। चलिए फिलहाल जो है आज की सेवाएं समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे हम कल की क्लास में, गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे आपका, है ना, थोड़ा तेज से निकलिएगा।